18 इंडिया की टीम इस वक्त एनकाउंटर साइट पे है, जहां पे मैं आपको बता दूं कि देर रात 12 बजे से ही ठीक इसी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। दरअसल सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि ठीक इसी जगह पर आतंकी छिपे हो सकते हैं, और उसके बाद सुरक्षा बलों ने एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया और उसी दौरान फायरिंग का तबादला हुआ और उसके बाद ही इस एनकाउंटर की शुरुआत हुई। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर कर रखा है, SOG और उसके साथ साथ भारतीय सेना, पूरे इलाके की उन्होंने घेराबंदी करके रखी है। हर आने जाने वाले का प्रमाण पत्र देखा जा रहा है, वो इसीलिए क्योंकि जो आतंकी है वो आम आदमी बनकर सुरक्षा बलों को चकमा दे सकते हैं। न्यूज 18 इंडिया के लिए ग्राउंड जीरो खवास लट्ठी इलाके से मैं अंकित केसर। राजौरी जिला का ये लट्ठी एरिया, यहाँ सुबह से आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। ये सुरक्षा बलों को ये सूचना मिली थी कि 2 से 3 आतंकी इस इलाके में आए हैं, और जब सुरक्षा बलों ने इस एरिया को कार्डन किया तो सुरक्षा बलों के ऊपर आतंकियों द्वारा फायरिंग की गई। उसके बाद जवाबी फायरिंग जो है वो की गई, और लगातार फायरिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। पूरे एरिया को कार्डन किया गया है और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से इस पूरे इलाके में चलाया जा रहा है। न्यूज 18 के लिए राजौरी के कालाकोट लट्ठी से मैं शक्ति शर्मा। कुपवाड़ा जिले में फौज ने दरअंदाजी की बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया, और इस सिलसिले में कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद 2 अलग अलग जगहों पर इस वक्त फौज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर जारी है। कुपवाड़ा जिले के लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके करना सेक्टर में खुशहाल पोस्ट के नजदीक दरअंदाजों ने इस बार दरअंदाजी की कोशिश की, ताहम फौज ने उन्हें ललकारा, उन्होंने फौज पे फायरिंग की। ताहम इस वक्त दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जारी है। वहीं कुपवाड़ा जिले के मच्छिल सेक्टर में कुमकंडी इलाके में गुज़श्ता शब दरअंदाजों ने इस बार दरअंदाजी की कोशिश की, ताहम फौज ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर छुपे बैठे मिलिटेंटों की तलाश शुरू की है। बताया जा रहा है कि दोनों जगहों पर इस वक्त फौज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर जारी है। फौज ने बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू की है और छुपे बैठे मिलिटेंटों की तलाश शुरू की गई है। वाजर है इससे पहले भी इन इलाकों में मिलिटेंटों ने दरअंदाजी की कोशिश की, जिसे फौज ने नाकाम बना दिया। और आज इलेक्शन का वक्त आ रहा है और जम्मू कश्मीर में दोबारा पाक की जानिब से इस तरह की जो है कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन फौज इसे नाकाम बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वही आज एक बार फिर कुपवाड़ा जिले के 2 अलग अलग मुकामात पर फौज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर जारी है। आखिरी इतलात मिलने तक दोनों जगहों पर फायरिंग का तबादला वक्फे वक्फे से जारी था और तलाशी कार्रवाई भी जारी है। नेटवर्क 18 के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के कुपवाड़ा जिले से मैं यहा सुनता हूँ।